जी, अस्सलाम वालेकुम आतिफ बंगश, आपके सामने। और आज बड़ी अच्छी खबर के साथ कि अमेज़ॉन, जो कि एक ग्लोबल मार्केट प्लेस है, उसने पाकिस्तान को अपनी सेलर लिस्ट में डाल दी है। यानी कि अब पाकिस्तान में लोग उसमें सेलिंग अकाउंट्स वगैरह क्रिएट कर सकेंगे और एक छोटा सा जिस भी लेवल पे वो बिज़नेस करना चाहते हैं वो कर सकेंगे। ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है। बाज़ लोग इसको बहुत लाइटली ले रहे हैं या इसका मजाक उड़ा रहे हैं कि जी, क्योंकि जो लोग इसको समझते हैं, जो मुख्तलिफ तरीक़ों से पहले भी पाकिस्तान में बैठ के अमेज़ॉन से काम कर रहे थे, उनको बहुत मुश्किलें आती थी बहुत सारी वेरिफिकेशन मेरी चीज़ों में। तो अब क्योंकि एक लेजिटिमेट गूगल जी जो है, या अमेज़ॉन, उसने अब सेलर की इजाज़त दे दी है आपको, एज अ कि पाकिस्तान का कोई भी शहरी जो है वो इसको साइन अप करके एज अ सेलर अकाउंट क्रिएट कर सकता है और एक इकोनॉमिक एक्टिविटी क्रिएट हो सकती है। और ये आप देखेंगे कि पहले हमारे मोटिवेशनल स्पीकर्स जो कि एंटरप्रेन्योरिज्म को फैला रहे थे, वो दिन रात अमेज़ॉन के ऊपर बात कर रहे हैं, अमेज़ॉन को सिखा रहे हैं। इसमें ट्रेनिंग बड़ी ज़रूरी है, क्योंकि ये अमेज़ॉन पे भी बिज़नेस करना और इसको समझना और इसको सही तरीके से करना, ये भी एक पूरा एक सब्जेक्ट है जिसको अब आने वाले दिनों में मैं देखूंगा कि बहुत सारे लोग, बहुत सारे टीचर्स जो पहले से भी अवेलेबल हैं, जो कोशिश कर रहे हैं कि लोगों को एम्पावर किया जाए और वो अपने घर में बैठ के या एक छोटे से बिज़नेस स्टार्ट करें और इसको इस पे कंसंट्रेट करेंगे जो ग्लोबल मार्केट है, जहाँ पर कस्टमर पहले से मौजूद है। अब क्या होगा कि अमेज़ॉन में आप जब अपना अकाउंट बनाएंगे तो उसमें आप प्रोडक्ट्स वगैरह बड़ी इजीली सेल कर सकेंगे, क्योंकि वहाँ पे ऑलरेडी बहुत बड़ी इंटरनेशनल और लोकल जो ख़रीदार है वो मौजूद हैं। तो इससे इकोनॉमिक एक्टिविटी नो डाउट बढ़ेगी, बहुत सारे लोग अपना कारोबार नया स्टार्ट करेंगे और बहुत सारे जो मौजूदा जो बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं, जो मीडियम बिजनेसेस हैं, जो स्मॉल बिजनेसेस हैं, वो भी इसमें अपने अकाउंट बनाएंगे और अपनी प्रोडक्ट्स को। तो एक बहुत बड़ी इकोनॉमिक एक्टिविटी क्रिएट हो सकती है जिससे इन्वेस्टमेंट आएगी, जिससे लोग हर लेवल पर अपना कुछ कुछ ना कुछ फ़ायदा ज़रूर होगा, जॉब्स क्रिएट होंगी। तो ये बड़ी अचीवमेंट है, इसको लाइट ना लें। और मैं हमेशा से ये चीज़ कहता रहा हूँ कि ये जो ग्लोबल लीडर्स हैं, जिस तरह के फेसबुक है, जिस तरह लिंक्डइन है, जिस तरह ट्विटर वगैरह, टिकटॉक, इन लोगों को कोशिश करनी चाहिए कि पाकिस्तान गवर्नमेंट को और जितने भी लोग, जो भी इंडिविजुअल या गवर्नमेंट लेवल पे या कोई कंपनी जिसका हाथ जहाँ तक पड़ता है इन कंपनियों में, वो इनको कोशिश करे कि वो इनको किसी तरह अपने मुल्क में लेके आए। देखें, इन द एंड इट इज़ पाकिस्तान। और अभी मैं देख रहा हूँ बहुत सारी क्रेडिट्स की भी जंग हो रही है, मैं देख रहा हूँ ट्वीट्स कर रहे हैं लोग कि जी ये इसका क्रेडिट है, ये इस बंदे का क्रेडिट है, ये इस, नो डाउट मैं जानता हूँ कॉन्सुलेट, अमेरिकन कॉन्सुलेट में बहुत अच्छी एक टीम थी जिस पे जो पिछले 5 साल से लगी हुई थी इसके पीछे, एंड दे हैव डन इट। लेकिन देखें, किसके लिए किया उन्होंने? पाकिस्तान के लिए किया। अगर मैं एज ए इंडिविजुअल, मैं मुल्क से बाहर हूँ या कोई और बंदा है, कोई और प्रोफेशनल है, जो दुनिया में हर जगह पाकिस्तानी बैठे हैं, अगर वो कोई एक ऐसी चीज़ कर सकते हैं जिसका एंड रिज़ल्ट पाकिस्तान के हक में बेहतर हो, तो उसमें क्रेडिट कैसा? ये तो एक देखें, ये चीज़ खुद ब खुद सामने आती है। जिसका असल क्रेडिट होता है, जिसने असल वर्किंग की होती है, जिस टीम ने, जिस इंडिविजुअल ने, वो खुद ब खुद सामने आ जाता है। उसको फिक्र नहीं करनी चाहिए कि वो कहीं पीछे रह जाएगा और कोई और क्रेडिट ले जाएगा। सब लोग, सब दुनिया में समझते हैं कि कौन क्या कर रहा है, किधर कर रहा है। तो मैं सिर्फ इसको ये देखता हूँ कि जिसने भी किया पाकिस्तान के लिए किया और अच्छा किया। तो और अभी और भी बड़ा कुछ है। देखिए, मैं ये कहता हूँ कि ये जितने भी जाइंट्स हैं, टेक जाइंट्स हैं, इनको किसी ना किसी तरीके से पाकिस्तान लेकर आएँ, क्योंकि ये पाकिस्तान आएंगे तो हम इनको कंट्रोल कर सकेंगे किसी हद तक। लेकिन ये जो हमारे इश्यूज खड़े होते हैं ना कि जी, इसने इस सोशल मीडिया में ये कंटेंट लग गया, ये लग गया, ये लग गया, ये हम इसी वजह से हमें बेबस महसूस करते हैं, क्योंकि हमारा अप्रोच नहीं है इन तक, इनके रेगुलर बिजनेस सेटअप्स नहीं है पाकिस्तान में।
अब मैं देख रहा हूँ कि जो केपी की गवर्नमेंट है, दे आर वर्किंग वेरी हार्ड टू ब्रिंग फेसबुक मोनेटाइजेशन सेटअप इन इन द इन पाकिस्तान. और ये भी बड़ा एक, मैं आपको बताऊं, ये भी एक बड़ा अच्छा कंपटीशन है जो कि मैंने बाहर भी देखा है किस तरह होता है कि छोटी छोटी कंट्रीज जो हैं वो इंडिविजुअल लेवल पर, अपने लेवल पर भी इंटरनेशनल बिजनेसेस को अपने प्रोविंसेस में, अपनी कंट्रीज में लाने की कोशिश कर रहे होते हैं, क्योंकि उनका मकसद, उनका जो एक्टिविटी क्रिएट करना होता है, उन्होंने एक एक बड़ा पॉजिटिव कॉम्पिटिशन होता है कि जी पंजाब इस कंपनी को ले आए बाहर से, सिंध इस कंपनी को ले आया, केपी इसको ले आया, बलूचिस्तान इसको ले आया. तो इन दी एंड क्या हो रहा है, इन दी एंड पाकिस्तान. तो दीज थिंग्स हमेशा जो है ना, इनको वेट किया करें, फजूल की बहसों में ना पड़े कौन क्या कर रहा है, किसने किया, पाकिस्तान के लिए किया. और ये जब ये लोग यहाँ पे सेटअप्स कर लेंगे तो दोनों, गवर्नमेंट को भी फायदा होगा, क्योंकि गवर्नमेंट फिर टैक्सेशंस सही तरीके से इन्वॉल्व होंगी. अभी तो पता नहीं लगता, फिर उसमें आप मैयर कर सकेंगे कि इन सर्विसेज को यूज़ करते हुए कितनी, कितना इकोनॉमिक एक्टिविटी क्रिएट हुई है साल में, और कितनी प्रोजेक्शंस आएंगी, और लोगों को मोटिवेट करें. और अब मैं समझता हूँ जो पिछले कई सालों से जो मोटिवेशनल स्पीकर्स थे, जो एक्सपीरियंस अमेज़ॉन सेलर्स थे, उनको अब मज़ीद आगे आना चाहिए और कोई ट्रेनिंग्स वगैरह अरेंज करनी चाहिए. गवर्नमेंट लेवल पे भी कुछ ऐसे जो एंटरप्रेन्योर ट्रेनिंग सेंटर्स हैं उनको आना चाहिए, क्योंकि वेरी फ्रेंकली जब आप इसमें जाते हैं गूगल फेसबुक ये सॉरी अमेज़ॉन में और इसके सैलरी अकाउंट में और सेटअप करते हैं अपना सारा कुछ, इट इज़ नॉट वेरी इजी. और ये एक इंडिविजुअल, एक एवरेज टेक्नोलॉजी, अगर आप नॉलेज रखते हैं टेक्नोलॉजी के बारे में या ऑनलाइन एप्लीकेशंस के बारे में या ई कॉमर्स के बारे में, तो तब भी आपको थोड़ी सी मुश्किल होती है इसको समझने में. और जो जो आपका बिज़नेस फैलेगा, फिर इसकी लीगैलिटीज़ और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होके आती हैं अमेज़ॉन की, तो उनसे निपटना और उनको उनके साथ रहना, काम करना, ये भी एक आर्ट होगा. ये भी वही लोग कर सकेंगे जिनके पास इन टाइम नॉलेज होगी और वो अपनी इन्हेंस करेंगे नॉलेज अमेज़ॉन के बारे में. तो इट इज़ नॉट अ वेरी ईजी जॉब, लेकिन जो लोग करेंगे आप देखेंगे कि कितनी ज़्यादा वो ऊपर जाते हैं. तो इट्स अ गुड थिंग अगर फेसबुक मोनेटाइजेशन भी आ जाती है और भी इस तरह के बहुत सारे नेटवर्क. जो नेक्स्ट माइलस्टोन है ना, जो मेरे नज़दीक बड़ा अहम है, जो कि एक रेवोल्यूशनरी होगा पाकिस्तान के लिए, और वो है फ्रीलांसर इंडस्ट्री. उनको गवर्नमेंट को तंग नहीं करना चाहिए, उनके लिए मज़ीद आसानियाँ पैदा करें. और फॉर गॉड सेक ब्रिंग पेपॉल इन पाकिस्तान, जो भी उनकी इनिशियली स्टेट बैंक के साथ, वो मुझे पता है कि कोई कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस हैं जिस पे नई बात बन सक रही, काफ़ी अरसे से गवर्नमेंट कोशिश कर रही है, पिछली गवर्नमेंट्स भी कोशिश करती रही हैं इसको लाने में, क्योंकि ये एक मेजर चीज़ है पाकिस्तान में इस वक्त. मेजर ड्रॉबैक ये है कि कोई ऑथराइज मर्चेंट सर्विसेज नहीं है. बैंकों ने अपने तौर पे स्टार्ट की हुई है, और लेकिन वो ऑनलाइन मर्चेंट्स वगैरह देने में अभी इतने वो नहीं, अगर अगर जो लोग दे भी रहे हैं वो बहुत एक्सपेंसिव है. और इसलिए जो एक मिडिल और छोटे लेवल का बिजनेसमैन है वो उसको अफोर्ड नहीं कर पाता, क्योंकि उसको पता है मैं तो इतनी सेल्स नहीं कर सकूँगा कि जितना मुझे एनुअली इस एज अ मर्चेंट फीस इस बैंक को देना पड़ जाएगा, तो इसलिए लोग पीछे हट जाते हैं. तो हमें इसको बिल्कुल पैनीज में लेके आना है कि ये सर्विसेज, मर्चेंट सर्विसेज और इस तरह की जो ये ग्लोबल जाइंट्स हैं, ये आएंगे तो प्राइसेस कम होंगी, प्रोडक्ट्स, क्वालिटी प्रोडक्ट्स में कंपटीशन बढ़ेगा, और इन द एंड जो जो लोग हैं पाकिस्तान के वो खुशहाल होंगे. तो ये बहुत अच्छा कदम है, इसको लाइटली ना लें और ना ही किसी का मजाक उड़ाएंगे जी ये खाम खा. अगर हुकूमत क्रेडिट ले रही है तो अच्छी बात है, ले, क्योंकि हर कोई लेता है जिसकी हुकूमत होती है. और नो डाउट उन्होंने काम भी किया है, काम भी कर रहे हैं, पिछली हुकूमतें भी करती रही हैं, ऐसी बात नहीं है कि मैं आपको कहूँगा ये नहीं करें, वो भी करते रहे हैं, लेकिन उनका अपना लेवल था, इनका अपना लेवल है. और
ये किस्मत की बात होती है कि कई लोगों के हाथों से काम हो जाते हैं और कई लोगों के हाथों से काम नहीं होते। और जो एक्नॉलेजमेंट्स हैं, जो टीम हैं, जो इंडिविजुअल हैं जिनकी वजह से ये हुआ है, ठीक है, तो वो उनको इसका सिला ज़रूर मिलेगा और वो खुद ब खुद पॉपअप होंगे। आप देखेंगे उनको ना ही लोग इधर से जो पॉलिटिक्स आ जाती है ना बीच में, वो लोगों में एक अजीब सी कंपटीशन क्रिएट कर देती है। दिस इज़ प्योरली अ बिजनेस एंड टेक्निकल बिजनेस मैटर। और ये जो इस किस्म की कंपनियों को पाकिस्तान, जाहिर सी बात है आपका स्टेटमेंट, आपका आपका टैक्सेशन डिपार्टमेंट, आपका बिजनेस सेटअप डिपार्टमेंट जो है, वो जितना ईज़ ऑफ बिजनेस लाएगा उतनी इंटरनेशनल कंपनीज पाकिस्तान में लाएंगी। कुछ जगह पे हमें झुकना पड़ेगा, कुछ जगह पे उनको अपनी शराइत पे मनाना पड़ेगा। पहले एक कदम पीछे जाना पड़ेगा, लेट देम सेट अप देयर बिजनेसेस इन पाकिस्तान, फिर उसके बाद देखेंगे कि उनको हमने कैसे कंट्रोल करना है। तो ये पहले ही उनको डरा देते हैं, उनको उनकी शराइत पर आने दें। जब वो आ जाएंगे उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता गवर्नमेंट अपना रोल प्ले करती है और वो रेगुलेशंस में आ जाते हैं, क्योंकि उनकी इन्वेस्टमेंट्स लग चुकी होती हैं। तो इसलिए टिकटॉक को लेकर आए, टिकटॉक बहुत बड़ी एक इंडस्ट्री है, बहुत वो है, जो भी उसके ड्रॉबैक्स हैं या जो भी हैं उनको एक साइड पर रख दें। इकोनॉमिक एक्टिविटी फेसबुक को लेकर आए, ट्विटर को लेकर आए, छोटे से छोटे लेवल पे भी किसी न किसी तरह सिंगल मैन रिप्रेजेंटेटिव भी बना दें वहाँ पे। माइक्रोसॉफ्ट को वहाँ पे डेवलपमेंट सेंटर्स इंक्रीज़ करने चाहिए, ट्रेनिंग सेंटर्स इंक्रीज़ करने दें। हर सूबे को कोशिश करनी चाहिए कि वो ज़्यादा से ज़्यादा अपने उसको टारगेट्स होने चाहिए ना, कि केपी ने कितनी इकोनॉमिक एक्टिविटी शुरू की, कितने ग्लोबल जाइंट्स को वो अपने में ला सका, पंजाब कितना ला सका। इस तरह एक पॉजिटिव कंपटीशन इन टर्म्स ऑफ बिजनेस जनरेशन वो होना चाहिए, इसी तरह हम आगे बढ़ेंगे। तो ये जो पुरानी चीज़ें थी उनसे निकलें, और ये बहुत बड़ी चीज़ है, इसका अंदाज़ा आपको आने वाले दिनों में होगा। और थैंक्स गॉड कि ये हो गया, और थैंक यू वेरी मच फॉर ऑल जिन्होंने इसमें कोशिश की और इसको पाकिस्तान में लेकर आए। और नेक्स्ट स्टेप मेरे नज़दीक, मेरी उनसे रिक्वेस्ट है ऑफिशियल से, कि पेपॉल को लेकर आए, जिससे घर में बैठे हुए एक बच्चा जो है, जो एक बिल्कुल एक छोटी सी स्किल रखता है और वो स्किल पूरी दुनिया में सेल करना चाहता है, तो वो उसको पैसे अपने तक लाने में बड़ी मुश्किल होती है। तो और उसके लिए पेपॉल एक बहुत अहम चीज़ है। तो ये मेरी आज की वीडियो थी, उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आई होगी, और कोई और सजेशन भी हो तो कमेंट में दें। और थैंक यू वेरी मच, अल्लाह हाफिज़।